एक तारीख को ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को खनन मामले में पूछताछ के लिए अपने कार्यालय आने का समन जारी किया, जिसके बाद कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे। सत्ता पक्ष ने गठबंधन की बैठक बुलाई तो बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारी दिल्ली कैंप करने लगे। ऐसा लग रहा था कि झारखंड के सियासी गलियारे में कुछ खास देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सेल की तरफ से उनका 15 नवंबर तक का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि 3 नवंबर ईडी ने जिस दिन उन्हें पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है, उस दिन वो छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है। आगे के 12 दिनों की भी शेड्यूल जारी की गई है। हेमंत सोरेन 2 नवंबर से 15 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने मुख्यमंत्री के आगामी कार्यक्रमों की सूची जारी की है। 2 नवंबर साहिबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 नवंबर को रायपुर में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में उपस्थित होकर आदिवासी परंपराओं को प्रोत्साहित करेंगे। 4 नवंबर से 7 नवंबर तक क्रमशः पलामू, रामगढ़ और जमशेदपुर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। 8 नवंबर को बोकारो के लुगुबुरु घंटाबाड़ी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होंगे। 9 नवंबर को पाकुड़ में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान दुमका की मसलिया सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी एवं 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेंगे। 12 नवंबर को सरायकेला खरसावा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। 14 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह की समीक्षा की जाएगी। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।